हेलो गाइस, वेलकम टू पाठशाला आईटी जेई एंड मेडिकल। हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज झा, डायरेक्टर एंड एचओडी ऑफ फिजिक्स इन पाठशाला आईटी जेई मेडिकल। आज हम लोग लाइट का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर कितने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो टाइप का मिरर होता है, एक को हम बोलते हैं प्लेन मिरर और दूसरे को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये दो टाइप का मिरर है, इसमें से प्लेन मिरर को हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आज हम लोगों को स्फेरिकल मिरर डिस्कस करना है। तो स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है, एक हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसका नाम है डाइवर्जिंग। और कॉनकेव मिरर का एक और नाम है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, ये हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जो पहला है वो कॉन्वेक्स मिरर है और जो दूसरा है वो कॉनकेव मिरर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं। तो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक हॉलो स्फीयर लेते हैं। तो ये एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, ट्रांसपेरेंट होगा ये। तो इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास को अगर हम किसी जगह से कट करें लाइक दिस, तो जो कटा हुआ पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा हम लोगों को। तो ये हो गया कटा हुआ पार्ट इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का। अब इस कटे हुए पार्ट को हम लोग दो तरफ से पेंट कर सकते हैं, एक राइट साइड से और दूसरे लेफ्ट साइड से। तो आइए देखते हैं, अगर हम लोग इस कटे हुए ग्लास को अंदर की तरफ पेंट कर दें लाइक दिस, तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर बनेगा। और अगर इसी कटे हुए पार्ट को हम लोग बाहर से पेंट कर दें तो ये हमारा कॉनकेव मिरर बनेगा। तो ये जो साइड है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये जो साइड है ये हमारा पेंटेड है। उसी तरीके से यहां पर ये जो साइड है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये जो साइड है ये हमारा पेंटेड साइड है। इन जनरल हम लोग जब पेंट करते हैं इसे किसी भी एक साइड को, तो वो हम लोग सिल्वर कलर से पेंट करते हैं ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो परफेक्ट आए। तो गाइस, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इन मिरर्स में, इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, एपर्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन दोनों ही मिरर्स के लिए, तो उसे हम लोग अब एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोल को डिस्कस करेंगे, हाउ पोल ऑफ अ मिरर इज डिफाइंड। इसे हम लोग पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डेफिनेशन है पोल का वो पहले हम लोग देख लें और इसके बाद हम उसको फिगर से भी समझेंगे। तो पोल का डेफिनेशन है द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। Pole of the mirror.
तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही हमारा पोल कहलाएगा। तो इसे हम फिगर से समझेंगे। तो फॉर नाउ वी हैव टेकन अ कॉनकेव मिरर, तो ये जो कॉनकेव मिरर है इसका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा लाइक दिस, ये यहां पर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, तो इसे ही हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में देखा है, अब कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाला पार्ट जो है वो पेंटेड होता है। तो इस स्फेरिकल मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो यहां पर पोल के नाम से जाना जाएगा। तो गाइस ये था हमारा पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव मिरर के लिए और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बहुत ही आसान है समझना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर is the geometrical center of the hollow sphere of which the spherical mirror is formed. जैसा कि हमें पता है कि ये spherical mirror है, किसी न किसी hollow sphere का part रहा था। तो ये जिस भी hollow sphere का part था उस hollow sphere का जो geometrical center होगा वो कहलाता है center of curvature। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी जो कॉन्वेक्स मिरर है ये किसी न किसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा, तो उस हॉलो स्फीयर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर of which the spherical mirror is formed is known as center of curvature. तो ये बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर से बना होता है उस स्फीयर का सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। ये कॉनकेव मिरर के लिए है और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आइए देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच का, ये डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कॉन्केव मिरर के केस में है और इधर कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लें हम लोग। तो द डेफिनेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डेफिनेशन हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड
पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर समझने के बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। तो आइए उसको हम लोग पहले लिख लें डेफिनेशन उसका। प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं लाइक दिस, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो गाइस ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। ये था कॉनकेव मिरर के लिए और ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो गाइस बहुत आसान है क्वेश्चन प्रिंसिपल एक्सिस का। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पूरा का पूरा ये लाइन है, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा स्ट्रेट लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यहां पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए मुझे। फोकस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस को एक बार ध्यान से सुने तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो फोकस का डेफिनेशन है ऑल द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मी एट अ सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर। तो गाइज ये इसका डेफिनेशन है। ऑल द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द मिरर। तो आइए देखते हैं कैसे फोकस को डिफाइन करते हैं फिगर के जरिए। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट पोल कहलाएगा, ये पॉइंट इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब इस मिरर में हमें कुछ इंसिडेंट रेज लेने हैं जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये एक रे है, ये दूसरा रे है। हम चाहे तो और भी रेज ले सकते हैं लाइक ये एक और इंसिडेंट रे है, ये मेरा एक दूसरा इंसिडेंट रे। ये सभी के सभी इंसिडेंट रे पैटर्न है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब कभी भी हम इंसिडेंट रे बनाएंगे तो उस रे में एरो देना हम लोग नहीं भूलेंगे। ये जनरल एक मिस्टेक होता है सभी बच्चों से कि इंसिडेंट रे बनाते तो जरूर है लेकिन उसमें एरो देना भूल जाते हैं।
तो मेरा आपसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट है, आप लोग एरो दिनांक कभी भी ना भूलें। आप जब कभी भी ये डायग्राम बनाए तो उसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखें, एक बार जरूर चेक कर लें कि हाँ क्या मैंने उसमें एरो लगाया है या नहीं लगाया है। तो आइए देखते हैं, ये मेरा इंसिडेंट जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा इस मिरर से जब, तो वो किसी एक पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को पास करेगा। दूसरा जो पैटर्न है वो भी जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो भी सेम पॉइंट से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जितने भी आपके पास इंसिडेंट रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे और यही कॉमन पॉइंट फोकस कहलाता है। सो दिस इज माय फोकस। तो फोकस कैसे डिफाइन हो गया? तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां की इंसिडेंट रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां पे सभी इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट किया। ये फोकस हो गया कॉनकेव मिरर में। तो एक्चुअली में ये रेज मीट किया है, इसलिए यहां पर डायरेक्टली बोलेंगे दे मीट एट अ पॉइंट। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये एक्चुअली मीट नहीं करता है, ये अपीयर्स टू मीट होता है। तो अपीयर्स टू मीट का क्या मतलब है, आइए उसे हम लोग फिगर से समझते हैं। तो लेट्स से दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर का ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और इधर कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। एज पर द डेफिनेशन द इंसिडेंट रे इज मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दीज आर द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन सभी इंसिडेंट रेज को हम लोगों को रिफ्लेक्ट कराना है। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे का, ये हो गया इस वाले इंसिडेंट रे का। इसी तरीके से सारे इंसिडेंट रेज का हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस ये जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज है इंसिडेंट रेज का। और अगर आप गौर से देखें इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे जाकर कभी भी मीट नहीं करेगा, क्योंकि आगे जितना हम लोग इसको बढ़ाएंगे इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वैसा ही इधर भी है, आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को भी देखिए, ये दोनों भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसे कैसे ये आगे जाकर कभी भी मीट करेगा? तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग कि ये जो डॉटेड लाइन है ये हम लोगों ने एक्सटेंड किया है इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए। ये जो डॉटेड लाइन है ये इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए एक्सटेंड किया गया, उसी तरीके से इसके और इसके लिए हम लोगों ने पीछे की तरफ लाइन को एक्सटेंड किया। जब हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो देखते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड रेज है ये एक जगह पे मीट करता है। तो ये जिस जगह पे मीट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में थोड़ा सा स्पेशल हो गया, वो ये कि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में तो मीट नहीं करते हैं, बट अगर पीछे की तरफ हम लोग इसको एक्सटेंड करें तो ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है। इसलिए इसे बोला जाता है कि अपीयर्स टू मीट। आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर डेफिनेशन में मीट और अपीयर्स टू मीट। तो कॉन्केव मिरर के केस में एक्चुअल मीट कर गया और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर्स टू मीट हुआ। इसे हम लोग लिखते हैं, एक कॉन्केव मिरर है हमारा और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग फोकस को डिफाइन कर लेते हैं फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब यहीं पे एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्यों कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो गाइस देखिए ये जो इंसिडेंट रेज है, रेड कलर में हम लोग इंसिडेंट रे को दिखा रहे हैं और ब्लैक कलर से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को दिखा रहे हैं। ये जो इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब जो रे है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये सभी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। ये भी रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो ये सभी के सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं।
इसलिए इसका नाम होता है कन्वर्जिंग यूनियन। और अगर देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो यहां पर ये दोनों जो रे है आपका रेड कलर में रिफ्लेक्टेड रे, ये एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहा है, ये डिस्टेंस इसके बीच का बढ़ता जा रहा है। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये डिस्टेंस जो है आपस में बढ़ता जाए, तो ये बोलते हैं कि डाइवर्ज कर रहा है एक दूसरे से। तो डाइवर्जिंग नेचर होने के कारण रिफ्लेक्टेड रे का हम लोग इसका एक नया नाम देते हैं और वो नाम है डाइवर्जिंग। तो गाइस बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्केव मिरर को क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको एक पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं कि व्हाई कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। So since all the incident rays coming parallel to the principal axis converges after reflection, that's why it is known as converging mirror. Or a diverging mirror के लिए explanation लिखें। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन कि कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो गाइस ये हमारा फोकस हो गया। फोकस को डिफाइन करते हम लोग कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं ये डिफाइन कर लिए और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं ये डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोकल प्लेन। ये एक नया टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए, तो आइए देखते हैं कि फोकल प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं। वर्ड डिफाइन करता है कि ये कोई एक प्लेन होगा, प्लेन मतलब कोई एक सरफेस होगा, कोई एक सतह होगा। तो देखिए जरा सा क्या है फोकल प्लेन एक्चुअल में। ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज अ पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर इस केस में मेरे पास एक कुछ इंसिडेंट रेज हैं एंड दे आर पैरेलल, ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, बट दीज इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपस में पैरेलल है। तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये भी कहीं ना कहीं इसी एक पॉइंट पे मीट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो लाइक दिस। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे आके कहीं मीट किया। ये जो पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं फोकल प्लेन पे होगा, मतलब ऐसा कोई भी सेट ले लीजिए पैरेलल रे का, तो वो जिस जगह पे मीट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पॉइंट फोकल प्लेन पे लाई करेगा। तो फोकल प्लेन होता कहां पे है, तो फोकल प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और पास कर रहा होगा फोकस से। ये पॉइंट जहां पे मीट किया ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये डेफिनेटली फोकस के या ही लाइन में होगा। ये फोकस के नीचे हो सकता है, अगर इंसिडेंट रेज पैरेलली नीचे से आ रहा होता तो ये पॉइंट ऊपर लाई करता, कहीं भी लाई करेगा ये इसी फोकस के लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा। तो इस पॉइंट को लेते हुए, इस पॉइंट को लेते हुए जो एक प्लेन बनेगा वो कहलाएगा फोकल प्लेन। तो ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये प्लेन फोकल प्लेन कहलाएगा।
दिस प्लेन इज नोन एज फोकल प्लेन। ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्रिंसिपल एक्सिस के और इस फोकस से पास कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन है अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकल प्लेन। तो ये हो गया हमारा फोकल प्लेन का डायरेक्शन। ये एक प्लेन है जो इस फोकस से पास कर रहा होगा और परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ऐसे प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फोकल प्लेन के बाद। इसका एक लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म में और वो है एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो एपर्चर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। तो ये जो कॉनकेव मिरर है इसका जो ज्योमेट्रिकल डायमीटर होगा ये एपर्चर कहलाता है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो एपर्चर कहलाता है। उसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा एपर्चर कहलाता है। सो दिस इज द एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो डेफिनेशन से क्या होगा? तो ज्योमेट्रिकल डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज एपर्चर। तो गाइस ये था इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा स्फेरिकल मिरर के लिए। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आज? मिरर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है फिर से, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पोल। पोल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो जिस भी होल स्फीयर से वो स्फेरिकल मिरर बनाया गया होता है उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रहा होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फोकस। फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं? तो जब इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मीट करता है या अपीयर्स टू मीट होता है तो उस पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअल में मीट करता है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर्स टू मीट होता है। अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे होते हैं इसलिए उसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं वो डाइवर्ज कर रहे होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन इसलिए उसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन वो एक प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास कर रहा होता है। उसका प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है फोकल प्लेन का कि कोई भी पैरेलल रे हो डजंट मैटर कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं। अगर इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं ना कहीं फोकल प्लेन पे ही मीट करेंगे। ये प्रॉपर्टी है फोकल प्लेन का। आफ्टर दैट वी डिस्कस एपर्चर ऑफ द मिरर। एपर्चर ऑफ द मिरर क्या है? जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं मिरर के उसके बीच का डिस्टेंस। तो इसे हम लोग ज्योमेट्रिकल डायमीटर भी बोलते हैं स्फेरिकल मिरर का। तो ये ज्योमेट्रिकल डायमीटर है इसे हम लोग एपर्चर के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं उसमें पांच केसेस हैं। पांचों केसेस हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। तो
तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।